हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का जो ये सीज़न चल रहा है, उसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न हमारी बिल्कुल सही जाए, हमारे सब क्लाइंट्स के बिल्कुल सही जाए, उसके तहत हमारे को कुछ बातों का ध्यान में रख के चलना है। तो आज हम कुछ बातों का जो है एक रिकॉल करेंगे और समझेंगे कि भैया ड्यू डेट जो हमारी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, 31 जुलाई 2024, क्या वो डेट एक्सटेंड होगी, उसकी भी बात करेंगे। और बात करेंगे क्या उसमें प्लस और माइनस सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं और स्क्रीन में मूव करते हैं और जो है बात करते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के तो हमारी जो अपनी अभी जो रिटर्न फाइलिंग की बात हो रही है, रिटर्न फाइलिंग कौन सा, रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2024-25, राइट। इसकी अभी जो हमारी जो है नॉन ऑडिट वाले केस हैं, जो नॉन ऑडिट वाले केस हैं, नॉन ऑडिट वाले की केस की हमारी जो ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024, ठीक है। मुद्दे की बात समझने वाली, क्या अब ये जो ड्यू डेट है, पहले तो हमारी 31 जुलाई, ठीक है, और ऑडिट वाले केस के लिए हमारी जो है हम उसके ऑडिटर कहेगी होगी सितंबर तक, और जो है रिटर्न फाइलिंग रहेगी हमारी अक्टूबर तक, ठीक है ना। अभी बात करते हैं हम इस वीडियो में नॉन ऑडिट के बारे में। तो भैया 31 जुलाई 2024, अगर 31 जुलाई 2024 हम तो ये टारगेटेड डेट रखनी है अपने को 31 जुलाई 2024, और यहाँ तक अपने को फाइल कर लेनी है। भैया आप कहोगे पोर्टल तो चल नहीं रहा, भैया पोर्टल जो है वो दिक्कत कर रहा है, तो भैया पोर्टल तो दिक्कत कर रहा है, लेकिन जो है चाहे आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट जैसे भी करना है, उस तरीके से आप सारी आप कैलकुलेशन करके रखिए। और फाइलिंग पार्ट जो पोर्टल का पार्ट है वो आप जो है अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो फाइलिंग वाला पार्ट जो है शाम को कर सकते हैं। तो बात रही कि ड्यू डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बात है कि 31 जुलाई 2024 क्या ड्यू डेट है, उसके बाद क्या होगा, क्या हम फाइल कर ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल कर सकोगे, लेकिन उसमें कोई दिक्कतें हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं कि पहली दिक्कत क्या है, लॉसेस क्या है, अगर हम ये हमारी जो ड्यू डेट है वो अगर हम मिस कर जाते हैं 31 जुलाई 2024, तो उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं और मेनली फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 वो जो है इम्पैक्ट करेंगे। कैसे इम्पैक्ट करेंगे, देखो अब जो हमारा जो डिफॉल्ट रिजीम है वो कौन सी है, न्यू रिजीम हमारी डिफॉल्ट रिजीम है, ठीक है ना। अब हो सकता है जब हम अभी कंप्यूट करते हैं तो हम न्यू रिजीम के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेते हैं और साथ ओल्ड रिजीम के हिसाब से भी कैलकुलेट कर ले, जिसमें हमारा जो है टैक्स कम बनेगा, उस हिसाब से हम चल सकते हैं। मेनली मैं अभी बात कर रहा हूँ सैलरी वगैरह नॉन बिजनेस वाले केस की, ठीक है ना। बिजनेस वाले केस के लिए जो है अलग से एक बार डिस्कशन करेंगे कि कैसे रहेगा, ठीक है ना। वहां पे स्विचिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, बाकी जो है वहां पे भी जो है वो स्विच कर पाएगा अभी, ठीक है ना। लेकिन बात यह है मुद्दे की कि अभी जो है न्यू रिजीम हमारा डिफॉल्ट रिजीम है, तो हमारी जो कैलकुलेशन करेगा सॉफ्टवेयर वो किस हिसाब से करेगा, वो न्यू रिजीम के हिसाब से करेगा, ठीक है। हो सकता है हमारे ओल्ड रिजीम में जो है कम बन रहा हो टैक्स और हमें स्विच करना हो, तो भैया अगर आपकी ये ड्यू डेट निकल गई 31 जुलाई निकल गई, तो आपके पास ये वाला ये ऑप्शन जो है खत्म हो जाएगा। पहला तो ये नुकसान हो गया आपका, ठीक है ना। क्या फिर क्या हम ये रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, भैया ये अगर आपने लेट कर भी दी तो उसको लेट रिटर्न को हम कहेंगे बिलेटेड रिटर्न। क्या बोलेंगे, बिलेटेड बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न जो है वो हमारी कब तक फाइल हो सकती है, 31 दिसंबर 2024 तक हमारी बिलेटेड रिटर्न जो है फाइल हो सकती है, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2024 मान लो कि हमने रिटर्न जो है पहले फाइल कर दी, ठीक है, जुलाई में फाइल कर दी, लेकिन कोई मिस्टेक हो गई, तो क्या हम आगे रिटर्न ठीक कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, उसको कहेंगे रिवाइज रिटर्न, ठीक है ना। रिवाइज रिटर्न कब तक हम कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न भी हम 31 दिसंबर 2024 तक, ये भी बिलेटेड रिटर्न भी 31 दिसंबर 2024 तक और रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक। लेकिन फर्क क्या है, रिवाइज रिटर्न में जो है आप ओल्ड न्यू, ओल्ड चाहे न्यू ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी रिटर्न लेट होगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम में ही ऑप्शन है। चाहे आपको ओल्ड रिजीम में बेनिफिट हो रहा हो, फिर भी आपको क्या लेना ऑप्ट करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू ही आप ऑप्ट कर सकते हो, ओल्ड में जा ही नहीं सकते। क्या सर और भी कोई नुकसान है, हाँ जी बहुत सारे नुकसान है, एक एक करके आपको बता रहा हूँ। अभी तो मैंने आपको कौन कौन से बताए, एक तो मैंने आप उसके बाद रिजीम नहीं ले सकते, आपको ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स कटा हो फिर भी आप ओल्ड रिजीम नहीं ले सकते, ठीक है ना। दूसरी बात ये हो गई कि एक तो देखो अपडेटेड आपने 28 जुलाई 2024 को फाइल कर दी थी, बाद आपको गलती मिली, आप जो है रिवाइज कर सकते हो और कोई लिमिट नहीं है, आप रिवाइज कर सकते हो 31 दिसंबर 2024 तक, आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। कितनी भी बार आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर वो रिटर्न लेट हो गई, अगर आपने इसकी जगह रिटर्न फाइल करी है तब 2 अगस्त 2024 को, तो भैया ये तो बिलेटेड कैटेगरी में आ गई, तो ये तो रिवाइज भी नहीं हो सकती, ये रिवाइज
पढ़ाई भी नहीं हो सकती। और साथ साथ क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, आपको सिर्फ और सिर्फ नहीं जाना पड़ेगा और रिवाइज भी नहीं हो सकती, ये इश्यू आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी दूसरी दिक्कत, तीसरी दिक्कत क्या है, तीसरी दिक्कत है लेट फी, ठीक है ना। तीसरी क्या है, लेट फी लगेगी। कितनी लेट फी लगेगी, लेट फी डिपेंड करेगा कि इनकम के ऊपर। अगर अगर जो इनकम है वो जो है अप टू 5 लाख है, अगर इनकम जो है अप टू 5 लाख है तो उस केस में 1,000 रुपए की लेट फी लगेगी। और अब वो इनकम जो है अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपकी 5,000 रुपए की लेट लगी। तो ध्यान में रखना, इसमें लेट करो 5 लाख से ऊपर होने पे अप टू 5 लाख जो है वो 1,000 रुपए लेट फी लगेगी, और उससे ज्यादा होने पे जो है आपकी लेट फी बढ़ जाएगी, 5,000 की लेट फी लगेगी, रिवाइज हो नहीं सकती है। मैंने आपको एक नुकसान और बता दिया था, ठीक है, तीन नुकसान हो चुके हैं। और इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है भैया, अगर आपके लॉसेज होंगे, अगर आपके लॉसेज होंगे तो आपको कैरी फॉरवर्ड का फायदा मिलता है। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना आप 8 साल तक, ठीक है ना, 8 साल तक। जैसे आप बिजनेस के केस में भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपकी रिटर्न लेट हो गई तो भैया ये भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपके लॉसेस भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। और पांचवा नुकसान, पांचवा नुकसान, आपको साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट भी साथ साथ लगेगा, इंटरेस्ट भी हो जाएगा। बहुत सारे है नुकसान है, इसलिए हमारे को चाहे होटल जैसा भी है वो हमारे को, लेकिन टाइम टू जो है ये सारी चीजें कवर करके चलेंगे। अब भैया आप कहोगे, अब आप मुद्दे की बात ये बता दो, डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो ये बात डिपेंड करती है पोर्टल के लास्ट वीक पे। अभी जो जो अपना लास्ट वीक चल रहा है जुलाई 2024 का, इस वीक पे किस तरीके से पोर्टल एक्ट करता है, किस तरीके से रिटर्न जो है वो ले पाता है, उस पे बहुत ज्यादा जो है फर्क जो है पड़ेगा। और एक और मुद्दे की बात, 2 जुलाई 2024 को जो है यहाँ पे यूटिलिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूटिलिटी चेंज कर दिया है 5 जुलाई 2024 को। तो वहां पे भी एक मुद्दे वाली बात है, वहां पे जो है इन्होंने पोर्टल पे जो है यूटिलिटी चेंज कर दी, साथ ही साथ उसमें जो कैलकुलेटर था वो भी चेंज कर दिया। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वहां पे क्या क्या चेंज किया है, ठीक है ना, क्या चेंज कर दिया यूटिलिटी में, किस तरीके से चेंज कर दिया, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। कि पहले टैक्स जो है वो अभी ये बन रहा था, लेकिन सॉरी 5 जुलाई से पहले टैक्स अलग बन रहा था, 5 जुलाई के बाद टैक्स अलग बन रहा था, वो मैं आपको आपके साथ दिखाऊंगा किस तरीके से वहां पे एक जो है स्कीमा में क्या चेंजेस करे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर डेट जो है इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करेगी कि लास्ट में किस तरीके से वर्कलोड है। देखो लास्ट ईयर की बात करें, पिछले साल की बात करें, ये हमारा अभी 2024 का जुलाई है, 2023 में जो है ड्यू डेट नहीं पड़ी थी। 2022 की बात करें तो वहाँ पे अराउंड एक हफ्ते के आसपास 5-6 दिन की ही डेट एक्सटेंशन हुई थी। उससे बाद 2021 की बात करें तो वहाँ पे कोविड की वजह से 1 मंथ की एक्सटेंशन हुई थी, ठीक है ना। तो करता है, देखो अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, और लास्ट ईयर डेट नहीं एक्सटेंड हुई थी, तो इसलिए आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ही चलें तो अच्छा है कि डेट एक्सटेंड होगी। क्योंकि बस यहाँ पे कारण सिर्फ इतना सा है कि इस टाइम पे पोर्टल जो है कई बार जो है दिक्कत क्रिएट कर रहा है, कई बार AIS TIS डाउनलोड नहीं हो रहे, वो सारे इशू आ रहे हैं। साथ साथ मुद्दे की बात यह है, जो 5 जुलाई को स्कीमा में चेंज किया है उसका जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो है जो जो लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो है वो अमर टैक्स कैलकुलेट अलग कर रहा है। और जो अगर आप इनकम टैक्स यूटिलिटी में डायरेक्ट जो है प्रोसीड कर रहे हैं तो अब जो है 5 जुलाई के बाद जो है वो टैक्स अलग कैलकुलेट कर रहा है। इसमें यह भी दिक्कत आ रही है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भैया जिसने 5 जुलाई 2024 से रिटर्न पहले फाइल कर दी थी उनका क्या होगा। तो वहां पे भी जो है एक क्लैरिफिकेशन की जरूरत है इनकम टैक्स द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। तो देखते हैं क्या होता है, बात यह है कि अपने को जो है वर्किंग करके चलनी है। और करने पड़ते हैं, तो अपनी कोशिश यही रखनी है कि 31 जुलाई 2024 से पहले पहले जो है अपनी सारी के सारी सब क्लाइंट्स की रिटर्न जो है हम अपना अपने आप जो है कवर करके चले, ताकि हमारे को लॉसेज में भी दिक्कत ना हो, ना ही हमें इंटरेस्ट लगे, ना ही हमें लेट फी लगे, और ना ही हम अपने को जो है अपने को बिलेटेड रिटर्न वाली कैटेगरी में आए, और ताकि हम कोई कोई गलती भी मिल जाए तो हम रिवाइज कर सके, तो ये सारे बेनिफिट भी अपने को मिल पाए। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया पिछले 3-4 साल का सिनेरियो, तो वहां पे उस सिनेरियो के देखने के हिसाब से तो डेट एक्सटेंशन नहीं है, सिर्फ चांसेस इतना है कि जो है पोर्टल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब वर्क चल रहा है उसमें, तो कई बार थोड़ा सा लैग कर रहा है वो, जो है लॉगिन होने में भी दिक्कत कर रहा है कई बार उसमें, मतलब स्लो चल रहा है। और बात है दूसरी, ये जो 5 जुलाई वाली मैंने बात करी उसके हिसाब से हो सकता है, बाकी होप फॉर द बेस्ट कि जो है पहले ही अपने को कवर अप करके चलना है जो है 31 जुलाई 2024 के से पहले पहले, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।